أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الحمد لله کہ آج وہ جمعہ کا دن آیا جس کی بہت دیر سے دل میں تمنا تھی اور ایک مدت سے انتظار تھا کہ آج خدا کے فضل کے ساتھ انٹرنیشنل احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. وہ جو جمعہ کا خطبہ پہلے ہر جمعہ سنایا جاتا تھا وہ اگرچہ اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے تھا لیکن ایک روزمرہ کی سروس کے طور پر ابھی یہ جاری نہیں ہوئی تھی. بس الحمدللہ کہ جس جو خوشخبری میں نے موریشس کی سرزمین سے دی تھی آج انگلستان کی سرزمین سے یہ اعلان کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ آج سے باقاعدہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی روزانہ سروس کا آغاز ہو چکا ہے. یورپ میں 3.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے روزانہ اور باقی ایشیا اور افریقہ وغیرہ میں روزانہ 12 گھنٹے کا پروگرام چلا کرے گا. شروع میں یہ تجرباتی پروگرام ہیں, یعنی پروگرام تو مستقل ہیں لیکن تجرباتی ان معنوں میں کہ ہماری تمام ٹیمیں نوآموز ہیں, انہیں کوئی باقاعدہ اس کی تربیت نہیں دی گئی اس کام کی, اور جو بے شمار روپے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اخلاص کی دولت ہے, دعاؤں کی مدد سے اس اخلاص کو عمل میں ڈھالتے ہیں اور جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا مجھے امید ہے کہ بابرکت ہوگا, اور جماعت کی تربیت ہی کے لیے نہیں بلکہ سب دنیا کے لیے بھی ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے تربیت کا ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. کہیں دنیا میں ٹیلی ویژن کو ان اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جن اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ایک ٹیلی ویژن کے نئے دور کے آغاز کی توفیق مل رہی ہے. مختلف جماعتوں کو جو لکھا گیا تھا اور پیغامات برقی بھی بھجوائے گئے ٹیلی فون کے ذریعے بھی,
कि जल्द अज जल्द अपने प्रोग्राम बना कर भिजवाएँ, क्योंकि सब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, और यहाँ बैठे उन सब की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगा कर फिर उनकी ज़ुबानों में उनके पैगामात देना मुमकिन नहीं है। तो जिस हद तक आपका मुल्क बेदार होगा जमाती लिहाज से, उसी हद तक उस मुल्क के फ़ायदे के इंतज़ामात होंगे। तो इसलिए अगर कोई सुस्ती करेंगे तो आपका नुकसान है, आलमगीर नुकसान है, लेकिन आपका खसूसियत से। इस ज़मन में सबसे खुशी की बात यह है कि बांग्लादेश ने सारी दुनिया की जमातों पर इस मामले में सबकत हासिल कर ली है, और पहला प्रोग्राम जो हमें बंगला ज़ुबान में पहुंचा है वो पहला प्रोग्राम जो पहुंचा है बंगला ज़ुबान में जमात अहमदिया बांग्लादेश की तरफ से है। कई वीडियोज़ उन्होंने बड़ी जल्दी में मगर उम्दगी से तैयार की हैं, रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह जूँ जूँ तजर्बा बढ़ता जाएगा खुदा के फ़ज़ल के साथ प्रोग्राम ज़्यादा दीदा ज़ेब होते चले जाएँगे और ख़ूबसूरत होते चले जाएँगे। जहाँ तक मुस्तकिल नौइयत के तरबियती प्रोग्रामों का ताल्लुक़ है, तालीमी और तरबियती, उन पर भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। जूँ ही इतने प्रोग्राम तैयार हो गए कि ये इम्कान हुआ कि सिलसिला टूटे बग़ैर हम उनको जारी रख सकेंगे, हम इंशाल्लाह उनको शुरू कर देंगे। ज़ुबानों पर भी बड़े ज़ोर से काम हो रहा है, इलाकाई हालात पर, उनकी तारीख पर, उनके खूबसूरत मकामात और जानवरों और परिंदों वगैरह के ऊपर, इस किस्म के काम भी सब शुरू हो चुके हैं, और इंग्लिस्तान गालबन इस मामले में सबसे आगे है। रफ़ीक हयात साहब की टीम माशाल्लाह दिन रात बड़ी मेहनत से काम कर रही है। सारे दुनिया के प्रोग्रामों को तरतीब देने में इस पहलू से जमात यूके को अल्लाह ताला ने ये फजीलत बख्शी है और सबकत अता फरमाई है कि सबसे बड़ा बोझ इन सब प्रोग्रामों का जमात यूके ने उठाया है। कल जब यहाँ हमारी वो वैन आई जिसमें जिसके ज़रिए अब हम बराह रास्त दुनिया में किसी जगह से भी खुद अपने प्रोग्राम उठाकर सितारों तक पहुँचा सकते हैं, तो वो वैन देखने के लिए गया तो साथ ही बताया गया कि यहाँ यूके के खिदमत करने वाले मौजूद हैं, उनको भी देखें। तो मैं बहुत खुश हुआ देख के कि लड़कों की टीमें भी लड़कियों की टीमें भी दिन रात मगन हैं और बहुत मेहनत से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये सलीके के साथ कामों को संवार रही हैं। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे पहला बैरूनी मुबल्लिग जो दुनिया में भिजवाया गया था वो गालबन इंग्लिस्तान था, और उसके बाद मॉरिशस की बारी आती है। तो इन दो बातों में भी मॉरिशस ही का ताल्लुक कायम हुआ है, मॉरिशस इंग्लिस्तान का एक ताल्लुक कायम हुआ है। मॉरिशस अगरचे ऐलान में पहले है, लेकिन काम को तरतीब देने और सबसे नुमाया हिस्सा लेने में लाजमन यूके दुनिया में सबसे पहला है। तो ये दोनों एजाज़ अल्लाह ताला इन दोनों जमातों को बहुत बहुत मुबारक फरमाए। अब मैं चंद कलिमात में मॉरिशस की जमात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस दौरे के अरसे में हमने उनको बहुत ही मुखलिस और मेहनती और फिदाई पाया, और बड़े वसी ताल्लुकात, बड़े वसी रबते कायम हुए हैं। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिसके तकरीबन हर बड़े छोटे मर्द औरत बच्चे से मुलाकात हुई हो, लेकिन दिन रात उन्होंने अपने हिस्से लिए बारी बारी आके। कुछ जगह हमें जाना पड़ा। जो अमूमी तासर मुझ पर है वो ये है कि खुदा के फल से जमात के अंदर इखलास का मैार बहुत नुमाया है और हर तरफ हर जगह है। यानी ये नहीं कि कोई जमात पीछे है कोई आगे है, तमाम जमातों में और मर्दों औरतों बच्चों में खुदा के फल से सिलसिले से बहुत मोहब्बत है, और अपने बुज़ुर्ग मुरब्बियों को भी बड़े प्यार और मोहब्बत से याद रखते हैं। अव्वल से आखिर तक वो उनकी यादें उनके नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल की जा रही हैं, और ये पहलू मुझे उनका बहुत ही प्यारा लगा कि अपने उन मोहसिनीन को याद रखते हैं जिनके ज़रिए खुदा ताला ने उनके मुकद्दर जगाए
और खुदा के फजल से उनको अहमदियत की आगोश में आने की तौफीक मिली। बाकी दुनिया की जमातों को भी ये ज़रूर करना चाहिए, इंग्लिस्तान की जमात को भी अपने इब्तदाई खिदमत करने वालों के ज़िक्र को ज़िंदा रखना चाहिए। और जिस तरह वहाँ मैंने देखा है कि हर ख़ानदान में वो ज़िक्र चलते हैं, और किसी का नाम अगर किसी ने बुजुर्ग किसी अव्वल मुबल्लिगीन में से किसी ने रखा था तो ज़रूर फ़ख्र से बताता था कि मेरा नाम हाफिज़ जमाल अहमद साहब ने रखा, मेरा फ़लाँ ने रखा, मेरा फ़लाँ ने रखा। और इस तरह मुझे उनसे तौफीक मिली कुछ तालीम हासिल करने की। तो ये जो आम तस्करे हैं ये नेकियों को ज़िंदा रखने में मददगार बनते हैं, इसलिए जहाँ ज़िंदा मुबल्लिगीन के साथ राब्ता ज़रूरी है वहाँ फौजशुदा मुबल्लिगीन के ज़िक्र को ज़िंदा करना ज़रूरी है। उसकुरु मौताकुम बिल खैर को ज़रूर पेश नज़र रखें, इसमें बहुत फ़ायदे हैं। बाकी दुनिया की जमातें भी ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि इब्तदाई खिदमत करने वाले चाहे वो सिलसिले के बाकायदा मुबल्लिग थे या इनफरादी तौर पर आकर फैज़ पहुँचाने वाले थे, उन सब के ज़िक्र को ज़िंदा करें और अपनी जमात में उनको आम करें। जमातें मॉरिशस का मैं तमाम आलमगीर जमातों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत उन्होंने मोहब्बत और मेहनत के साथ बड़े खलूस के साथ प्रोग्राम मुरतब किए और बहुत गैरमामूली मेहनत की है और फिर भी थके नहीं और बड़ी बशाशत के साथ आखिर वक्त तक वो गैरमामूली बोझ उठाते रहे। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के जुमे मुबारक जुमे में जो मुख्तलिफ़ इज्तमाआत हो रहे हैं जिनका ज़िक्र ज़रूरी है, अव्वल जमात अहमदिया सरगोधा शहर का जलसा सालाना आज मुनक़िद हो रहा है, फिर तहसील भलवाल की जमातों का जलसा सालाना भी आज ही मुनक़िद हो रहा है, लंदन रीजन की मजलिस अतफ़ाउल अहमदिया का एक रोज़ा इज्तमा आज मुनक़िद हो रहा है, बाज़ अरब जमातों के अनसार खुदाम और लजनात और नासरात के इज्तमाआत 9 जनवरी को मुनक़िद हो रहे हैं, जमात अहमदिया ज़िला मीरपुर ख़ास का 5वां जलसा सालाना 13 जनवरी को मुनक़िद हो रहा है, उन्होंने भी आज ही ज़िक्र की दरख्वास्त की है। तो इन सब को अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला ये सारे इज्तमाआत मुबारक फरमाएँ। और अब जो भी अच्छे इज्तमाआत हों अगर मुमकिन हो तो उनकी वीडियोस भी महफूज करनी चाहिए। मॉरिशस की वीडियोस जो थी वो अब यहाँ आपको दिखाई गई हैं, बाकी दुनिया को भी दिखाई जा रही हैं। इसी तरह ये सारे इज्तमाआत झलकियों के तौर पर आलमी बन जाएंगे। दुनिया में जहाँ भी इज्तमाआत हो रहे हैं, छोटी गरीब जमात हो, बड़ी मुखलिस बड़ी जमात हो, कोई भी हो, किसी दुनिया के खित्ते से ताल्लुक़ रखती हो, उसके अपने एक रंग कुछ रंग हैं, अपनी खुशबुएं हैं हर सब जमातों की, और उनकी आवाज़ें भी अपना एक ख़ास इखलास और प्यार का रंग रखती हैं, उनकी ज़ुबानें भी एक कशिश रखती हैं। तो अहमदियत के गुलदस्ते में ये सारे फूल अल्लाह ने सजा दिए हैं, और खुदा करे ये गुलदस्ता बढ़ता चला जाए, इन फूलों की खुशबुओं और रंगों को हम इस आलमी प्रोग्राम के ज़रिए सब दुनिया तक पहुंचाते रहें। इससे एक बैनुल अक़वामी अख़ुवत की फ़िज़ा पैदा होगी और मजबूत तर होती चली जाएगी, रबते मजबूत तर होते चले जाएंगे, और सारी दुनिया की जमातों को एहसास होगा कि हम क्या हैं, कितनी वसी आलमगीर जमात से हमारा ताल्लुक़ है। और हमेशा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये इल्हाम याद आता रहेगा कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। मैं इसमें हमेशा मैं के लफ्ज़ पे ज़ोर देता हूँ, आमतौर पर जब पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा या किनारों पे ज़ोर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें मैं पे ज़ोर है कि दुनिया से क्या होना है मैं पहुँचाऊँगा। दुनिया तो मुखालफत पर ज़ोर मारेगी और तेरे मानने वालों में भी इतनी तौफीक कहाँ है कि वो ख़ुद अपनी ताकत से इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचा सकें। मैं हूँ जो पहुँचाऊँगा। और आज जो दुनिया में हम इंटरनेशनल टेलीविज़न के ज़रिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम को पहुँचा रहे हैं, ये अल्लाह है जो पहुँचा रहा है, इसमें हमारी कोशिशों का अगर दखल है तो महज बहाना बनाए गए हैं, वरना हकीकत में ये सारे बड़े कारोबार और ये बंदोबस्त हमारे बस की बात नहीं थी और नहीं हैं।
अगर अल्लाह का फजल उठ जाए तो सारे प्रोग्राम बेकार और बेमानी और बेहकीकत होकर रह जाएंगे। हमें तौफीक ही नहीं मिलेगी इन 12 घंटों को खूबसूरती से भरने की, मुफीद चीज़ों से भरने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, फजल ही है अल्लाह का जो साथ साथ नाजिल होता रहे, मुसलसल साथ दे और उसी की रहमतों के साए तले ये प्रोग्राम आगे बढ़े। आज का मुबारक जुमा वो जुमा भी है जिसमें पहली मरतबा बाकायदा अल फजल इंटरनेशनल का इजरा हो चुका है और चौधरी रशीद अहमद साहब और इनके साथियों ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से एक बहुत खूबसूरत पेशकश की है जो हर हफ्ते इंशाल्लाह सब दुनिया की जमातों को पहुंचती रहेगी। और इस सिलसिले में हम अगरचे शुरू में कीमत 50 पेंस रखी गई है लेकिन ये गरीब मुल्कों के लिए ज़्यादा है और यहाँ भी अगर निस्बतन कम पे मुहैया हो सके तो बहुत बेहतर है, इसलिए इसके लिए हमने एक अलग टीम बनाई है जो इश्तहारात इकट्ठे करेगी। उस टीम में अल्लाह ताला के फजल से अच्छे काबिल तजर्बाकार और या वैसे जोश रखने वाले नौजवान हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उस टीम के ज़रिए जूँ जूँ हमारी आमद बढ़ेगी हम एक वक्त ऐसा आएगा कि चंदे को कम करना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जैसा कि हमेशा से दस्तूर रहा है असल अलफजल कभी भी मुनाफा कमाने का ज़रिया नहीं बना बल्कि कोशिश यही रही है कि अपने पांव पे खड़ा हो जाए। तो अलफजल भी और रिव्यू भी अगर अपने पांव पर खड़े हो जाएं तो हमारे लिए यही बहुत अल्लाह का बड़ा एहसान है और नेमत है और इस पहलू से इंशाल्लाह खरीदारों पर बोझ कम करने की कोशिश की जाती रहेगी। रिव्यू के मुतालिक एक हफ़्ते की ताखीर का मुझे बताया गया है, बाज़ फ़नी मुश्किलात की वजह से उसके छपवाने में देर हो रही है, इसलिए आज की बजाय वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह शाया होगा, लेकिन वो चूँकि महाना रिसाला है इसलिए चंद दिन या हफ़्तों की ताखीर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा के लिए उनका ख्याल है और उम्मीद है कि बाकायदा आगाज़ में महीने हर महीने के आगाज़ में वो रिव्यू शाया कर लिया करेंगे। मज़ामीन तैयार हैं अगले रिव्यू के लिए भी और उसको छपाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, इंशाल्लाह आइंदा मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो मुझे रिव्यू के मुतालिक फ़िक्र है वो उसकी इशात की है, 10,000 की तादाद में हमने शाया तो कर दिया यानी हो रहा है, सवाल यह है कि वो अहमदी जो अंग्रेज़ी दान हैं और उससे इस्तेफादा कर सकते हैं उनके अलावा गैरों तक पहुंचाने का क्या इंतज़ाम होगा। उस सिलसिले में सब दुनिया में ऐसे दानिश्वर साहिब असर मुखलिसीन ख़ा वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों लेकिन मुखलिस इन मानों में कि दिल के सच्चे हों, ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए। ये जो मुखलिस का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है ये हर इंसान पर बराबर सादिक आता है, वो जिस दुनिया के हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो अगर वो अपने कॉल का सच्चा है तो देखने में फ़ौरन पता चल जाता है किस मिजाज का किस सरिश्त का इंसान है। तो मुखलिसीन ही हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में मुत्तकीन के तौर पर आगाज़ में किया है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो लोग हैं जो दिल में एक किस्म का खुदा का खौफ रखते हैं यानी सच्चे लोग हैं, उनको ज़रूर हदायत मिलती है। तो चूंकि रिव्यू को सब दुनिया की हदायत के लिए जारी किया जा रहा है इसलिए पहले भी मैंने बारहा ताकीद की कि महज़ पते इकट्ठे करने के मुकाबले ना करें कि जर्मनी 2,000 दे दे और बांग्लादेश 3,000 भेज दे कि जी हमने ज़्यादा पते इकट्ठे कर लिए हैं। पते इकट्ठे करना तो हर ऐरे गैरे के कब्ज़े में है, कोई डायरेक्टरी उठा ले और जितने मर्जी पते इकट्ठे कर ले, हमें ऐसे अंधे पतों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है ऐसे इंसानों के पतों की जो साहिब इल्म भी हों अपनी ज़िंदगी के दायरे में एक मकाम रखते हों, उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुँच सके,
और अमूमन जिनके मतलब ये ख्याल हो कि वो अच्छे मिजाज के लोग हैं, शरीफ नफ्स लोग हैं, कौल के सच्चे हैं, उन तक अगर रिव्यू पहुंचा तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह के फजल के साथ एक दो साल के अंदर रिव्यू के ज़रिए ही हज़ारहा बहुत ही उम्दा तबके, बहुत ही बाला तबके से ताल्लुक़ रखने वाली बैतें आनी शुरू हो जाएंगी और फिर इनके ज़रिए से ये रोशनी और भी फैलेगी। तो आप सबसे पहले तो जल्दी करें पता जात हासिल करने में, लेकिन जिस तरह मैंने बताया है उस तरह हासिल करें, फिर साथ ही उसके बजट की तरफ भी तवज्जो करें। जिन जिन जमातों में लोग अपने तौर पर रिव्यू लगवा सकते हैं वो कोशिश करें और हमें लिख दें कि हम इतने रिव्यू का चंदा हम ज़रूर देंगे, लेकिन हमें ज़रूरत ज़्यादा है तो हम इंशाल्लाह ज़ायद ज़रूरत पूरी करेंगे और जो चंदा उनकी तरफ से मिलेगा वो शुक्रिया से कबूल करेंगे। इस तरह इंशाल्लाह ताला रिव्यू को भी ज़्यादा मुफीद और वसी दायरे पे असर रखने वाला रिसाला बनाएंगे। जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक है, इसके लिए अभी तक इश्तहारात का आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि तमाम मुल्क अपने तौर पर देखें कि अगर इंटरनेशनल अहमदिया टेलीविज़न के लिए उनके पास के को पहले वाकिफ़ करवाना है लोगों से, बहुत बड़े बड़े कारोबार वाले लोग हैं, अगर उनको ये पता हो कि एक इंटरनेशनल टेलीविज़न है जिसको बड़े निहमाक से मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में सुना जाता है, तो पूरे तारुफ और अच्छे तारुफ के नतीजे में कई ऐसे कारोबारी इदारे हैं जो इश्तहार दे सकते हैं, कई ऐसे इदारे हैं जो ज़्यादा वक्त ख़रीदना चाहेंगे, मसलन इश्तहार देने की बजाय वो घंटा दो घंटे रोज़ाना ख़रीदना चाहेंगे, फिर वो जिस तरह चाहें उसे इस्तेमाल करें। दुनिया की टेलीविज़न की अखलाकी हालत पर हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है, मगर हम फिर अहमदिया टेलीविज़न के नाम पर नहीं बल्कि अपना कुछ ज़ायद वक्त उनको बेच देंगे और इस ज़िमन में हमारे पास मज़ीद गुंजाइश भी है, हम और भी वक्त ख़रीद सकते हैं। तो उनसे जो फ़ायदा पहुँचेगा वो हम इंशाल्लाह ताला जमात दुनिया की अखलाकी हालत को बेहतर बनाने के लिए उस रुपए को इस्तेमाल करेंगे। टेलीविज़न की जो टीम हमारे पास काम कर रही है जसवाल बरादरान की, बेहद मेहनत से काम कर रहे हैं, जो कुछ इनका है वो सब डाल बैठे हैं, मज़ीद ताकत रही नहीं कि जो पेश कर सकें, और वहाँ भी मॉरिशस में भी माशाल्लाह गैर मामूली हिम्मत और मेहनत और इखलास से उन्होंने प्रोग्राम तैयार किए, मगर काम बढ़ चुका है, इनके बस में नहीं रहा। अपना मरकज़ी काम तो हमेशा यही इंशाल्लाह संभाले रखेंगे, लेकिन इर्द गिर्द के मुअय्यदीन और मदद करने वालों की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। जिस तरह इंग्लिस्तान की जमात ने लबैक कहा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाकी दुनिया की जमातें भी इस तरह सॉफ्ट प्रोग्रामिंग के सिलसिले में, यानी टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले मुख्तलिफ नौयत के अच्छे प्रोग्राम बनाने के सिलसिले में अपनी अपनी कोशिशें बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काबिल लोगों को टीमों की सूरत में इन कामों में मुनहमिक करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ज़िक्र इलाही के सिलसिले में मैंने गुज़श्ता खुतबा में, यानी गुज़श्ता से पेवस्ता खुतबा में जो ज़िक्र किया था कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके और महल की मुनासिबत से ज़िक्र फरमाया करते थे और ज़हन ऐसा हैरत अंगेज़ तरीक़ पर इतनी बारीकी से मज़ामीन की तह में उतरता था कि आम हदीस को पढ़ने वाला इंसान सोच भी नहीं सकता कि इसमें क्या क्या फ़लसफ़े, क्या क्या हिकमतों की बातें पोशीदा हैं और मौके से क्या ताल्लुक़ है। अमूमन लोग सरसरी तौर पर हदीस पढ़ के आगे गुजर जाते हैं, हालांकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कलाम इलाही के बाद सबसे ज़्यादा गहराई रखता है और उसके साथ साथ चलने की कोशिश करता है। इसलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के मज़मून को मैं बयान कर भी दूँ
तो ये जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरी नसीहत जमात को ये है कि हुजूर अकरम के जिक्र को गौर से पढ़कर उसमें डूबकर उसकी गहराई से नए नए मोती तलाश किया करें और अपने माहौल में फिर उस जिक्र को चलाया करें। अब वो खाने के मुतालिक मैंने बयान किया था, खाना उठाया जा रहा है तो आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जिक्र फरमाते हैं, वो ज़ुबानी तो बता दिया था, हदीस गालिबन मैंने नहीं पढ़ी थी। वो हदीस ये है जो तिर्मिज़ी अबाबुद दावात से ली गई है, हदसना मोहम्मद इब्न बशार अखबरा यहिया इब्न सईद अखबराना सौर इब्न यजीद। ये अल्फाज मैं अब उर्दू में पढ़ता हूँ। हज़रत अबी उमामा से रवायत है कि यानी आखिरी रवायत हज़रत अबी उमामा की तरफ से है कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से दस्तखान उठाया जाता तो ये दुआ करते, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बरकत वाली, तुझे तर्क नहीं किया जा सकता और ना ही तुझसे बेनियाज हो सकते हैं। यानी खाना खा बैठे और इसे ना सिर्फ कि तर्क किया जा सकता है अब बल्कि लाजिम है कि तर्क करें, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाला भी एक मुकाम पर कह देगा कि बस उठा लो। और फिर फरमाया और ना ही तुझसे बेनियाज हो सकते हैं, क्योंकि रिज्क के ताल्लुक में एक बेनियाजी के हों मज़मून भी है। वक्ती तौर पर खाना उठाया जा सकता है मगर मुस्तकिल बेनियाज नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह से ना आर्जी बेनियाजी है ना मुस्तकिल बेनियाजी है, क्योंकि रूहानी ज़िंदगी की सारी ताकत अल्लाह से वाबस्ता है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके और महल की मुनासबत से ऐसा जिक्र फरमाते थे जिसमें खुद हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के अजीम दलाइल पोशीदा हैं। अब किसी ऐसे शख्स को जिसने अपनी तरफ से इफ्तरा किया हो और अल्लाह का मज़मून खड़ा हो, ये तौफीक मिल ही नहीं सकती। अगर कोई कहे कि हो सकता है तो वो झूठा और पागल है जो ये कह सकता है कि एक ऐसा शख्स जो इफ्तरा करने वाला है, खाना उठाया जा रहा है तो ये बातें सोच रहा है, उसके तो वहम गुमान में भी ये बातें नहीं आ सकती। जो अल्लाह वाले हैं आम तौर पर दुनिया में, उनके जहन भी इस तरफ नहीं जाते तो एक दहरिया और मुफ्तरी का दिमाग कैसे इन बातों की तरफ जा सकता है। बड़े बड़े खुदा वाले हैं, बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, उनकी किताबों का मुतालिया कर लें, उनकी ज़िंदगी के हालात देख लें, जिस तरह हर मौके पर हर वक्त की और माहौल की और मिजाज की तब्दीली के वक्त हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को याद किया है, वो एक एक पहलू ना सिर्फ आप अल्लाह की अजमत की निशानदेही करता है बल्कि आपकी सदाकत के ऊपर दलालत करता है। एक सच्चे गहराई के साथ पूरे सिद्क के साथ आशिक होने वाले शख्स के सिवा कोई ऐसे मौके पर अपने रब को इस तरह याद नहीं कर सकता, ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ बात है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिक्र में मैंने के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कैसे किया करते थे, सजदे में क्या कैफियत हुआ करती थी। इसी मज़मून की एक और हदीस है, हज़रत आयशा रवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के सजदे में ये दुआ करते थे, मेरा चेहरा उस ज़ात के लिए सजदा रेज़ है जिसने इसे पैदा किया, उसकी शनवाई को बनाया और उसकी बिनाई को बनाया। अब चेहरे की के साथ दो बहुत ही अहम हवास खमसा के ज़राए वाबस्ता कर दिए गए हैं, और चेहरे में मुंह शामिल नहीं है, अंदर का मुंह। इसलिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़े का जिक्र नहीं फरमाया, क्योंकि अरबी ज़ुबान में जो चेहरा है वो बाहर दिखाई देने वाला हिस्सा है। इसलिए उन दो के ताल्लुक़ में आपने ज़िक्र फरमाया कि मेरा चेहरा उस ज़ात के लिए सजदा रेज़ है जिसने उसे पैदा किया, उसकी सुनवाई को बनाया और उसकी बिनाई को बनाया। और फिर फरमाया व बेहौल ही व कुव्वत ही, अपने हौल के साथ और अपनी कुव्वत के साथ। अब एक आम पढ़ने वाला
सोचता नहीं है कि हॉल का इस मज़मून से क्या ताल्लुक़ है, कुव्वत का इस मज़मून से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन ज़रा तवक्कुफ़ करें और गौर करें तो मालूम हो जाएगा कि बिनाई और सुनवाई ये दो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंसान तमाम खौफ की जगहों से बच सकता है। तो हर किस्म के ख़तरात से बचने का सबसे अहम ज़रिया जो जानदार को अता किया गया है वो सुनवाई है और बिनाई है। अगर सुनवाई और बिनाई ना रहें तो किसी खौफ से कोई आज़ादी नहीं है। तो फरमाया वब हौल ही, हौल उस ताकत को कहते हैं जो ख़तरात से बचाने वाली है। तो देखें हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कितनी गहराई पे उतरी है। फरमाया मेरा सजदा वो चेहरा तेरे हुज़ूर सजदा रेज है जिसको तूने बिनाई सुनवाई और बिनाई अता की अपने हौल के साथ, यानी अपनी उन कुव्वतों के साथ जो हर ख़तरे से बचाने वाली हैं। और फिर फरमाया वह बेकुव्वत ही, बिनाई और सुनवाई के ज़रिए इंसान तमाम मनफ़तें हासिल करता है। अगर अंधा और बहरा हो जाए तो कुछ भी नहीं रहता, महज एक सब्ज़ी की तरह लाश सी रह जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहता। तमाम इंसानी फवायद, तमाम इंसानी तरक्यात सबसे ज़्यादा इन दो कुव्वतों से वाबस्ता हैं, यानी सुनवाई और बिनाई के साथ। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौका और महल पे दुआ मांगते थे, बड़ी गहराई और फिक्र के साथ सोचने के बाद उस मज़मून के ताल्लुक़ में एक बात किया करते थे। फरमाया ये मेरी आँखें भी तेरे हुज़ूर सजदा रेज़ हो रही हैं, मेरे कान भी, और तू ही है जो अब इनकी इन दोनों कुव्वतों को बढ़ा और इनको रफ़तें बख्श। और ऐसे मौके पर फिर सुबहान रब्बे अलाला में कि मज़मून में एक नई शान पैदा होती है, एक नई बुलंदी पैदा होती है। अल्लाह की रफ़तों के साथ समात को भी रफ़त मिलती है, अल्लाह की रफ़तों के साथ बिनाई को भी रफ़त मिलती है। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर जिक्र करने वाला कभी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ ना हो सकता है। बस जिक्र करने हैं तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। तिर्मिज़ी की किताबु दावात में एक ये हदीस दर्ज है, हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है कि जब शाम हो जाती तो रसूल करीम ये दुआ करते कि हमने शाम की और तमाम मुल्क ने अल्लाह के लिए शाम की। अब ये बज़ाहिर एक आम सा फ़िक्रा है, लेकिन इसमें कोई ख़ास बात अगर आम तौर पर ख़ास बात दिखाई नहीं देगी, मगर आपको गौर करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तमाम दुनिया ने शाम की है। उस ज़माने में जो इंसान का दुनिया का तसव्वुर था वो ये था कि सारी दुनिया पर बयक वक्त रात आती है और बयक वक्त सुबह आ जाती है। और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी सोच के मुताबिक ये फरमा सकते थे कि अल्लाह की हम बयान करते हैं जिसके लिए हमने भी शाम की और सारी दुनिया ने शाम की, मगर हुज़ूर ये नहीं फरमाते हैं और मुल्क ने अल्लाह के लिए शाम की है। इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये शऊर अता हुआ था कि हर मुल्क की सुबह अलग है, हर मुल्क की शाम अलग है। एक मुल्क तो शाम में शरीक हो सकता है, और चूंकि मुल्क से मुराद मुल्क अरब था इसलिए मुल्क अरब की तो बाहर एक ही शाम थी, मगर मुल्कों और ख़ितों की शामें अलग अलग हो सकती हैं। ये मज़मून वाज़ह है कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशन था। बस फरमाया कि जब शाम हो जाती है हमने शाम की और तमाम मुल्क ने अल्लाह के लिए शाम की, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। फरमाते हुकूमत उसी की है और सब हम उसी को ज़ेबा है, वो हर शय पर क़ादिर है, मैं मांगता हूँ खैर जो इस रात में है। इन अंधेरों से सिर्फ शर ही तो वाबस्ता नहीं, खैरें भी तो वाबस्ता हैं, सकीनत भी मिलती है और बहुत से आराम हैं, बहुत से फवायद हैं जो अंधेरों से वाबस्ता हैं। तो फरमाया कि मैं मांगता हूँ खैर जो इस रात में है
और जो खैर और खैर जो इस रात के बाद आने वाली है, और इस रात के शर से तेरी पनाह में आता हूँ, और इस रात के बाद की बुराई से भी तेरी पनाह में आता हूँ, सुस्ती से और तकब्बुर की बुराई से, और मैं आग के अजाब से और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। सुस्ती से और तकब्बुर की बुराई से, ये दो बातें खसूसियत से मेरे नज़दीक रात के मज़मून से ये ताल्लुक़ रखती हैं कि रात चूँकि आराम के लिए है, इसलिए सुस्ती और आराम का एक आपस का रिश्ता है, और आराम अगर ज़्यादा हो जाए और बेवजह हो जाए तो उसी का नाम सुस्ती है। और अमूमन कौमें जो ज़्यादा आराम तलब हो जाती हैं वो तनज़ुल इख्तियार कर जाती हैं। तो रातें आराम के लिए हैं, मगर इतने आराम के लिए कि जो खोई हुई ताकतों को बहाल कर दे। अगर नींद को एक ऐश का ज़रिया बना लें तो वो फिर सुस्ती तारी कर देती है, और हर काम पर सुस्ती तारी हो जाती है। फिर फरमाया तकब्बुर, तकब्बुर का क्या ताल्लुक़ है रात के साथ या बदलते हुए वक्त के साथ? मैं समझता हूँ कि रातों के जो आराम हैं उनमें मुतकब्बिर जिस किस्म की नेमतें अपने लिए बनाते हैं, जिस किस्म के महल तामीर करते हैं, अपने रातों को जिस तरह ऐशो इशरत का ज़रिया बनाते हैं, गालिबन उस तरफ इशारा होगा कि रातें अपने साथ मुतकब्बिरों के लिए ख़ास किस्म के पैगामात भी लाती हैं और ख़ास किस्म के सामान फराहम करती हैं, और उनकी रातों की ज़िंदगी ख़ास तौर पर तकब्बुर में सर्फ होती है और सजदा रेजी में सर्फ नहीं होती। वो समझते हैं रातें हमारे ऐशो इशरत के लिए बनाई गई हैं, और सारी रात बाज़ दफ़ा जाग कर बाज़ इलाक़ों में अमीर लोग हर किस्म की गंदगी में मुब्तला होते हैं, और उनकी रऊनत उनके तकब्बुर का सबसे ज़्यादा मज़हर उनकी रातें होती हैं। बस सुस्ती से भी निजात के लिए दुआ मांगी और तकब्बुर से भी निजात के लिए और बचने के लिए दुआ मांगी, और मैं आग के अजाब से और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। आग के अजाब से का ताल्लुक तो पहली दोनों बातों से है, यानी शर वाला पहलू भी है रात में, और इसके बाद जो आने वाला है उसमें भी शर का पहलू है, सुस्ती का पहलू भी है, तकब्बुर का पहलू भी है, और ये दोनों बातें इंसान के लिए पर आग वाजिब कर देती हैं। इसलिए फरमाया कि मैं आग से पनाह मांगता हूँ और कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। कब्र के अजाब से का जिक्र इसलिए फरमाया गया है कि मौत को, नींद को मौत के साथ एक मुशाबियत है, और मौत की जो कैफियत कब्र की हालत में होगी वो एक नीम जागने और नीम सोने की सी कैफियत है। तो नींद की कैफियत भी ज़िंदगी और मौत के दरमियान की एक कैफियत है। तो सोते वक्त को कब्र के वक्त से मुशाबे करार देना भी एक बहुत फसाहत और बलागत का कलाम है। सोने से पहले मौत का ख्याल आना, लेकिन आर्जी मौत का अभी पूरी तरह बात, मौत अपने तमाम अवारजात के साथ आगे नहीं बढ़ी। कब्र की हालत वो है जो अगली दुनिया के लिए पहली तैयारी का हुक्म रखती है, और जिस तरह हमारे लिए नींद है उस तरह अगली दुनिया की जाग से पहले कब्र की हालत है। तो फरमाया मैं कब्र के अजाब से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर तिर्मिज़ी किताबुद्दावाती से हुज़ैफ़ा बिनुल यमान की यह हदीस ली गई है, वो अर्ज़ करते हैं कि जब नबी करीम सोने का इरादा फरमाते अपने हाथ सर के नीचे रखते और फिर अर्ज़ करते, ऐ मेरे अल्लाह मुझे उस दिन के अजाब से बचाना जिस दिन तू अपने बंदों को जमा करेगा या उठाएगा। अब इसका भी उसी मज़मून से ताल्लुक़ है, सोने से पहले क्योंकि एक किस्म की नींद इंसान पर तारी और मौत तारी होने वाली होती है। अल्लाह यतवफ़ुल अनफुस हीन मौतहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामहा, यही मज़मून है क़ुरान करीम का जिसको हदीस में मुख्तलिफ़ दुआओं में ढाला जा रहा है कि हम
ऐसी हालत में जा रहे हैं कि मौत से कुछ मुशाबे हो रही है, मुशाबत हो रही है। और मौत से ताल्लुक़ में सबसे ज़्यादा पहला ख्याल इंसान को कब्र के अजाब या आग के अजाब का आना चाहिए, क्योंकि यही दो बद अंजाम हैं जो इंसान को मौत के बाद मिला करते हैं। तो बद अंजाम से पनाह के वक्त पनाह हासिल करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि सोने से पहले इंसान ये दुआएं करे। फिर इसी कैफियत की एक और दुआ किताबु दावात ही में हुज़ैफ़ा इब्ने यमान से मरवी है। वो ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोने का इरादा फरमाते तो कहते, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ मरता हूँ और तेरे नाम के साथ जीता हूँ। यहाँ भी वही मज़मून है कि एक अर्जी मौत में से इंसान गुजरने वाला है जो मुस्तकिल भी हो सकती है, कोई पता नहीं कि फिर उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो हर वक्त हर दफ़ा जब सोने लगे इंसान तो मौत को ज़रूर याद करे, और सोने से मौत से पहले जिस तरह इंसान घबराहट में दुआएं मांगता है और दुनिया को भुलाकर सबसे ज़्यादा खुदा की नाराज़गी के खौफ से बचने के लिए इस्तग़फ़ार करता है, वही कैफियत हर रात को हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी होती थी, बावजूद इसके कि आपको हर अज़ाब से पनाह दी जा चुकी थी। बस अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बारे में ऐसी एहतियात फरमाते थे कि आर्ज़ी मौत से पहले भी खुदा तआला की तरफ गिरिया उजारी से मुतवज्जे होते और आग के अजाब से बचने की दुआएं करते थे, तो एक आम गुनाहगार इंसान के लिए तो हज़ार गुना ज़्यादा ये वाजिब है कि मौत के मुशाबे हर कैफियत से पहले वो इस्तिग़फ़ार से काम ले और अल्लाह ताला के हजूर गिरिया उजारी करे और आग के अजाब से पनाह मांगे। आ हजूर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं मरता हूँ और तेरे नाम के साथ जीता हूँ। इसमें सुबह उठने की दुआ भी शामिल हो गई है, तेरे नाम के साथ रोज़ मरता हूँ यानी रात के वक्त, और फिर तेरे नाम के साथ जीता हूँ, और जब नींद से बेदार होते तो कहते, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे मारने के बाद ज़िंदा फरमाया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर तिर्मिज़ी किताबु दावाती से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस ली गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथ इकट्ठे करके यूँ उनमें फूंक मारते और उनमें सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन पढ़ते और फिर उनसे जिस्म की जिस हद तक पहुँच सकते मसा फरमाते। बाद लोग ये समझते हैं कि सारे जिस्म के हर हिस्से पर वो हाथ पहुंचाना उसको रगड़ना ज़रूरी है, ये गलत है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ की हदीस है कि वो जिस हिस्से तक आराम से पहुंच सकता था हाथ पहुंचाते, बाकी हाथ का इशारा ही काफ़ी समझते थे। और मसा फरमाते और सर और चेहरे से शुरू फरमाते और जिस्म के सामने वाले हिस्से पर ज़्यादा, ये नहीं कि उठ उठ कर पीछे पीछे भी हाथ फेरे जाएं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है जिनको पूरा इस हदीस का इल्म नहीं होता, वो ये समझते हैं कि उलट पुलट करके सारे बदन पर हाथ मलने ज़रूरी हैं, ये गलत तरीक है और गैरफितरी तरीक है। आ हुज़ूर जिस्म के सामने वाले हिस्से जहाँ आसानी से हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक फेरते थे, एक तबर्रकन एक इलामती तौर पर ये बात फरमाया करते थे, वरना दुआ तो वही थी जो दिल से उठती थी और फौरन कबूल हो जाया करती थी। तीन मरतबा ऐसा किया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत है, ये भी तिर्मिज़ी किताबु दावात से ली गई है, कि जब रसूल करीम बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो यूँ खुदा का जिक्र करते, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया और हमारे लिए काफ़ी हुआ और हमें पनाह दी, और कितने ही हैं जिनके लिए कोई ऐसा वजूद नहीं कि उनके लिए काफ़ी हो और उन्हें पनाह दे। सारा दिन के मशागिल के बाद
रात को दरअसल नींद में इंसान पनाह मांगता है, थकावट से, हर किस्म की मेहनतों के बाद जो, और फिर हर किस्म के खतरात से जो पनाह बिस्तर में मिलती है वैसी पनाह किसी और जगह नसीब नहीं होती। सब जानवर भी थक कर जब अपने आराम की जगह को पहुंचते हैं तो ही उनकी पनाहगाह बन जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन पर नज़र करते हुए याद फरमाते थे कि हमें अल्लाह ने खाना खिलाया, अल्लाह ही ने पिलाया और हमारे लिए काफ़ी हुआ। और फिर ये उन पर भी नज़र डालते थे जिनके लिए कोई काफ़ी नहीं हुआ, यानी अल्लाह तो वैसे सब कायनात का है लेकिन वो लोग जो खुदा से ताल्लुक़ जोड़ तोड़ लेते हैं फिर उनकी वो खुदा के ज़िम्मे से निकल जाते हैं, यानी अमदन गुनाहों में बढ़कर बाज़ दफ़ा इंसान वाक़ियतन अल्लाह के ज़िम्मे से बाहर चला जाता है। तो उनका भी ख्याल करते और फरमाते कितने ही हैं जिनके लिए कोई ऐसा वजूद नहीं कि उनके लिए काफ़ी हो और उन्हें पनाह दे। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन सरजिस से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो कहते ऐ अल्लाह सफ़र में तू ही हमारा साथी है, यानी अब नींद के जिक्र के बाद अब सफ़र के जिक्र की में हम दाखिल होते हैं। सोना जागना जाहिर है इन हदीसों से कि अल्लाह ही के नाम पर होता था, अल्लाह ही से बातें होती थीं, उठते अल्लाह के नाम से सोते थे, अल्लाह के नाम से जागते थे। और रात की जो कैफियत थी उसमें भी आम हालतों के मुकाबले पर ज़्यादा क़ुर्ब इलाही नसीब था, क्योंकि दुनिया से जब हम वफात के बाद आलम बरज़ख में जाते हैं तो अहदीस से साबित है कि हमें जन्नत की ज़्यादा ठंडी हवाएं मिलती हैं अगर जन्नती वजूद हैं, और जहन्नम के भपके भी पहुंचते हैं अगर जहन्नम भी वजूद हों, अगर के पूरी तरह पूरी क़ुव्वत के साथ नहीं। तो इसलिए वो खुदा के बंदे जो खुदा का क़ुर्ब चाहते हुए दिन गुजारते हैं, जब वो रात को सोते हैं तो उनका आलम बरज़ख़ एक किस्म की जन्नत का आलम बरज़ख़ होता है। बस सोते भी अल्लाह का नाम लेकर थे, उठते भी अल्लाह का नाम लेकर थे, और रात के वक्त वही जारी रहती थी मुख्तलिफ़ रोया सादका के ज़रिए, और अल्लाह ताला की तरफ से अपने क़ुर्ब की ज़रूर ऐसी इलामतें नसीब होती होंगी जिनको हम जन्नत की खिड़कियों के ठंडे झोंके करार दे सकते हैं। सफ़र पर रवाना होते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सरजिस की रवायत है कि ये फरमाते, ये खुदा के हजूर अर्ज़ करते ऐ अल्लाह सफ़र में तू ही हमारा साथी है और घर में तू ही निगरान है। आज वो ज़रूरत तो नहीं है, दिया नहीं गया मुझे, ये आला नहीं दिया गया, ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऐ अल्लाह सफ़र में तू ही हमारा साथी है और घर में तू ही निगरान, ऐ अल्लाह हमारे सफ़र में तू हमारा साथी बन और हमारे अहल पर हमारा जानशीन। ये दो बातें हैं, ऐ अल्लाह सफ़र में तू ही हमारा साथी है और घर में तू ही निगरान है, एक ये बयान किया है और साथ ही यही दुआ की है कि ऐ अल्लाह हमारे सफ़र में तू हमारा साथी बन और हमारे अहल में हमारा जानशीन बन। इसमें एक तो मुस्तकिल तौर पर जो एक दायमी हकीकत है उसका बयान है कि सफ़र में अल्लाह के सिवा कोई साथी नहीं है, हकीकत में वही है, और घर का भी हकीकी निगरान वही है। ये एक आम जारी और सारी कैफियत का और हकीकत का हाल बयान हो रहा है। इसके नतीजे में फिर जहन दुआ की तरफ मायल होता है और बज़ात खुद इंसान बाशऊर तौर पर ये तमन्ना करता है कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई सफ़र का साथी हो नहीं सकता, इसलिए तू हमारा साथी बन जा, यानी बिल इरादा हमारे साथ हो, हमारी हर मुश्किल और मुसीबत में काम आ
और पीछे हमारे घर का तू ही निगरान और जानशीन हो जा, यानी घर को हर किस्म की आफात से बचाए रख, हर किस्म की ज़रूरतें उनकी पूरी फरमाने वाला हो, हर किस्म के खौफ से अमन देने वाला हो। बस सिर्फ अपने लिए जाते हुए दुआ नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए भी जो इनको पीछे छोड़कर जाया करते थे, और दोनों को अल्लाह ही के सुपुर्द रखते थे। ऐ अल्लाह, हम सफ़र की मशक्क़त से और बुरे लौटने से तुझसे पनाह मांगते हैं, यानी सफ़र में जो मुसीबतें पहुँचती हैं उनकी मशक्क़त से भी, और बदहाल में घरों को लौटने से तुझसे पनाह मांगते हैं, और मज़लूम की पुकार से और किसी बुरे मंज़र से घर में, और आगे लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा रहा, तेरी पनाह बाहर बाहर ही मुराद होगी, कि मज़लूम की पुकार से और बुरे मंज़र से, यानी हादसात भी होते रहते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप ही पनाह में आएँ, बल्कि अगर किसी तकलीफ़ दे मंज़र को आँखों से देख भी लें तो वो भी बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है। तो फरमाया कि ना सिर्फ हम तक शर ना पहुँचे, बल्कि शर की जगहों से हमें बचाए रख, और इसमें आपके साथी मुसाफिरों के लिए भी दुआ हो गई, और सफ़र में जिन जिन जगहों से जिन जिन गलियों से आपका गुजर होता था उन सब के लिए दुआ हो गई। यानी ऐसा पाक वजूद जिसके जाने से हर जगह बरकत ही बरकत हो, जिसके माहौल में कोई बुरा वाक़या पेश ना आ रहा हो, ये एक बहुत ही प्यारी दुआ है जिसको आपने हम सब के लिए एक फैज़ आम के तौर पर हम तक पहुँचाया है, कि मैं ये किया करता था, और यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप अगर ये दुआ ना भी करते तो अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रहा करती थी। तो हमें ये बताया कि ऐसी दुआ किया करो कि तुम्हारा उसका दुआ का फैज़ सिर्फ तुम तक ना पहुँचे, तुम्हारे घर तक ना पहुँचे, बल्कि तुम्हारे साथ आम नूर बन के फिरता रहे, जिन शहरों में तुम जाओ उनके लिए बरकत का मूजिब बने, जिन गलियों से तुम गुजरो उनके लिए बरकत का मूजिब बने, जिन सवारियों पर तुम सवार हो उनके लिए बरकत का मूजिब बने, और कोई बुराई तुम ना देखो, यानी तुम्हारे माहौल तुम्हारे गिर्द व पेश में कोई बुराई पैदा ना हो। इसलिए ये दुआ भी बहुत ही अहम है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और मज़लूम की पुकार से, आमतौर पर दुनिया में जुल्म होते रहते हैं और एक इंसान बेबस हो जाता है, बाज़ दफ़ा मुसाफिर है कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत दिल को चोट लगती है जब किसी मज़लूम की पुकार को सुनता है। तो फरमाया कि वो उससे भी हमें बचा, हम तक किसी तकलीफ़ दे की कोई चीख ना पहुँचे। हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलम जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो ये अल्फाज दोहराते कि अल्लाह के नाम के साथ घर से बाहर निकलता हूँ, अल्लाह पर ही तवक्कुल करता हूँ, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं इस बात से कि हम लग्जिश खाएँ या गुमराह हों या जुल्म करें या हम पर जुल्म किया जाए या हम जहालत की कोई बात करें या हमारे ख़िलाफ़ कोई जहालत करें। ये तमाम वो बातें हैं जो सफ़र में दरपेश होती हैं, अगरचे आम दुनिया के हालात में एक मुकीम के लिए भी ये ख़तरात रहते हैं, लेकिन मुसाफिर होने की हालत में ये ख़तरात बहुत बढ़ जाते हैं, और एक मुसाफिर के लिए ज़्यादा इस बात का एहतमाल है कि उस पर जहालत की जाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ जुल्म और जहालत से बचने की दुआ मांगी है, वहाँ ये भी मांगी है कि दुनिया को भी हमारे जुल्म और हमारी जहालत से बचा। इस दुआ में हज़रत अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फितरत की सदाकत किस तरह आशियां और ज़ाहिर व बाहर है, यानी महज अपने लिए तलब नहीं हो रही, बल्कि जो चीज़ अपने लिए चाहते हैं गैर के लिए भी वही चाहते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि हमें ही बचाई रख जुल्म से और जहालत से, बाज़ दफ़ा नादानिस्ता भी इंसान दूसरे पर जुल्म कर बैठता है, नादानिस्ता या बिला इरादा जहालत की बात कर बैठता है। तो फरमाया कि हम सिर्फ दूसरों के जुल्म और जहालत से पनाह नहीं मांग रहे, ऐ खुदा हमारे जुल्म और जहालत से भी दुनिया को पनाह देना। इसमें बहुत
गहरे सबक हैं, और एक सबक उसमें से इसमें यह है, मैं समझता हूँ कि कबूलियत दुआ के लिए दुआ का फैज़ आम करना चाहिए। अगर दुआ महज खुदगर्जी की हो तो उसे पाए कबूलियत में ऐसे जगह नहीं मिल सकती जैसी एक बेगर्ज़ की दुआ होती है। बस जहाँ गैरों की गर्ज को अपनी गर्ज में शामिल कर लिया जाए वो दुआ ज़्यादा मकबूल हो जाती है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन के साथ एक गहरा ताल्लुक़ रखती है। सारे जहानों का रब है, सब जहान के लिए जब आप फैज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला इसे ज़्यादा पसंदीदगी की निगाह से देखता है। दूसरे ये कि जो सबक मैंने इससे सीखा है वो ये है कि अगर आप वाक़ईतन ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह दुश्मनों की जहालत और उनके जुल्म से बचाए तो अपने हाथ जुल्म और जहालत से रोकें। अगर आपके हाथ जुल्म पर लंबे होते हैं और जहालत पर दराज होते हैं तो फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें जुल्म से बचा और हमें जहालत से बचा, मैं एक खोखली और बेमानी दुआ होगी। बस दुआ के दूसरे पहलू ने सिर्फ दुआ नहीं सिखाई, ज़िंदगी के आदाब सिखाए हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सलूक बताया है कि तुम अगर अल्लाह ताला से जहालत से बचने की दुआ मांगते हो तो लाजिम है कि खुदा के बंदों को अपनी जहालत से बचाओ। अगर अल्लाह ताला से जुल्म से बचने की तमन्ना रखते हो तो तुम पर फ़र्ज़ है कि दुनिया को अपने जुल्म से बचाओ, और फिर इस नेक अमल के साथ दुआ करोगे तो ये दुआ मरफू होगी, क्योंकि कुरान करीम ने ये राज हमें समझा दिया है कि वो कलमा तैयबा जो अमल साले साथ रखता हो, अमल साले की ताकत रखता हो, वो आसमानों की रफ़तों तक बुलंद हो जाता है, और जिसके साथ अमाल का ईंधन ना हो वो उसमें उठने की ताकत नहीं, जैसे बग़ैर ईंधन के जहाज उड़ाने की कोशिश की जाए। तो इस दुआ ने ये सारे मज़मून हमें सिखा दिए कि दुआ भी गैरों के लिए करो और अपने लिए करो, और अमल से भी इस दुआ की तायद करो, फिर देखो कि किस तरह तुम्हारे हक में ये दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ ले लाते तो यूँ कहते, हम लौट रहे हैं तौबा करते हुए, अपने रब की इबादत करते हुए और अपने रब की तारीफ करते हुए। ये बहुत ही, यानी ये दुआ भी गहरी हिकमत रखती है। आमतौर पर जब हम सफ़र से वापस लौटते हैं तो पहली बात ये करते हैं और अक्सर यही करते चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने खैर वाफियत से सफ़र तमाम किया और हम खुश खुश अपने घर वालों की तरफ लौटे हैं। मगर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ लौटने के साथ इस मज़मून को बांध दिया करते थे, और ये आपकी सच्चाई की बहुत गहरी दलील है। हकीकत में अगर कोई अपने नफ्स का इरफान रखता हो तो उस पर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान की भी, उसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान की भी सलाहियत अता हो जाती है। अगर अपने नफ्स का इरफान ना हो तो किसी इरफान की भी सलाहियत नहीं हो सकती। तो वो जाहिल और गुस्ताख जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले करते हैं और कहते हैं क्या निशान दिया, क्या दिखाया, अगर उनमें ज़रा भी बसीरत हो तो आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक आम दस्तूर को देखें तो वहीं से उनको आपकी सदाकत के निशान मिल जाएंगे, और हर निशान काफ़ी होगा। एक ही दलील हुज़ूर अकरम की सदाकत पर एक रोज़ रोशन की तरह गवाह रहेगी। अब ये देखें कि सफ़र से लौटने के बाद ये दुआ सब फरमा अर्ज़ कर रहे हैं कि हम तेरी तरफ लौट रहे हैं तौबा के साथ लौटते हुए। यानी सफ़र से इंसान घर के आराम की तरफ आता है और उसे पनाह मिलती है, मगर इंसान ने खुदा की तरफ जाना है और तौबा के बगैर उसे वो पनाह मिल नहीं सकती। तो आर्जी सफ़र का ख्याल दिल से वक्ती तौर पर महव हो जाता है और ज़िंदगी के लंबे सफ़र की तरफ ध्यान चला जाता है, और ये ख्याल जाता है कि हमने खुदा की तरफ जाना है
बस उससे ये अर्ज करते हैं कि हम तौबा के साथ तेरी तरफ लौटने वाले बने और तू हमें कबूल फरमा और हमें उस तरह पना दे जिस तरह सफ़र की थकावट के बाद घर पना दिया करता है, और अपने रब की इबादत करते हुए और अपने रब की तारीफ़ करते हुए लौट रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हजर और सफ़र को वैसे ही बना दे जैसे हज़रत अब्दुस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम से और अपने उस्वा से हमें तालीम अता फरमाई है। ये मज़मून लंबा होता चला जा रहा है मगर अच्छा ज़िक्र है, बहुत ही प्यारा है, जितना लंबा हो अच्छा है। इंशाल्लाह बाकी आइंदा खुतबे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगरचे इंटरनेशनल अहमदिया टेलीविज़न के वक्त के लिहाज से कोई क़ैद नहीं है, खुतबे को लंबा भी कर सकता हूँ, लेकिन रेडियो वालों के मुझे ख़त आ रहे हैं अभी से शिकवों के कि आप टेलीविज़न पे लंबे लंबे खुतबे देंगे, हम क्या करेंगे, हमारा तो घंटे का वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए घंटे के अंदर मज़मून समेटा करें। तो जब तक उनका वक्त ना बढ़ जाए उस वक्त तक हमें बहरहाल एहतियात करनी चाहिए और वक्त के अंदर मज़मून को ख़त्म करना चाहिए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.